ये लाला का फोन जब भी आता मेरा दिमाग इधर उधर हो जाता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या मैं ये शादी का फैसला सही लिया? समीना अभी से ऐसी है तो आगे जाके और खतरनाक हो सकती। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब मेरी शादी होगी, जिंदगी हंसते गाते कैसा भी निकाल लेना है। मैं इसका मियां हूँ, मेरे साथ ऐसा पेश आएंगी तो कैसा होऊंगा। मगर दिल की अच्छी है, पतिवर्ता भी है इन्हें। मगर इन्हें मेरे को रोज ऐसा टॉर्चर करेंगी तो मैं बहुत जल्दी ऊपर चले जाऊंगा। आई ले, समीना का इफेक्ट गाड़ी पे भी होगा जैसा दिखा। पाशा, कल मैं लंदन को जा रहा हूँ, एयरपोर्ट को जाने के वास्ते मेरे को किसी भी सूरत में गाड़ी होना। वही तो समझा रहा हूँ बैल को, शाकब जबर में हाइड्रोलिक ऑयल आता, गियर ऑयल नहीं आता। वो सब मेरे को नहीं मालूम, गाड़ी में बैठा तो गाड़ी दब जा रही। मेरे को किसी भी सूरत में कल गाड़ी होना। पहलवान तुम हत्ती पे बैठ जाओ ना। वही तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से जरा बड़ी गाड़ी पे बैठे तो अच्छा रहता। बोले सर कल गाड़ी दे देना। शादी रास्ते जैसा दिख रहा, हर जगह तकलीफ उठा रहा हूँ। अरे क्या है मियां ये? तुम अंदर जाओ। क्या गाड़ी बना रहा भाई ये? घड़ी घड़ी ऑफ हो जा रही, कभी सेल्फ लेफ्ट उठाती कभी धचके लेती। अब ये गाड़ी बेच के शोरूम से नई गाड़ी ले ले तो तेरे से भी छुटकारा, ये गाड़ी से भी छुटकारा। पागल हो गए, ये गाड़ी बेच देते। आपको मालूम है ये गाड़ी में जापान का इंजन है जो पुराने गाड़ियों में आता था सो। आजकल के गाड़ियां तो एक ही एक्सीडेंट में चपाक हो जा रहे। आप कभी गाड़ी की बीटिंग सुने? कितनी साइलेंट है, स्टार्ट हुई सो भी नहीं मालूम होता। स्टार्ट हुई तो मालूम होगा ना। पाशा भाई पलक साफ कर दिया, रेडिटेक ने लाइट पे किच कर दिया, परसों गिर रहा था गिरा। पागल हो गया क्या? ऐसा ना को कर, पहले बहुत परेशान है उन्हें, एक दो हफ्ते के बाद ऐसा कर। क्या खुसुर पुसुर कर रहे तुम दोनों? कुछ भी नहीं। क्या बारे बन गए ना सबकी गाड़ी? बन गई। हाँ वही बोल रहा हूँ, अगर आइंदा गाड़ी आएंगी ना तेरी तनख्वाह में से कर दूं बेटा, समझा ना। हेलो साहब, अब तुम्हारे को लंबी फुर्सत। हेलो चाबी। मेरे को जर्री भी फुर्सत नहीं है, जरा भाभी को सलाम बोलना था मेरा। तू बनाया सो गाड़ी घर तक पहुंचाई तो जरूर बोलतो। आदमी घर तक तो पहुंचेगा ना रे? आराम से। शाम में मेरे गोली में जाना है, वो गिराक की गाड़ी निकाल। रे 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 रे, क्या तुम ये जी हो? तुम्हारे जैसा बेसब्र आदमी नहीं देखी मैं, जरा सा भी सब्र नहीं है बस। अरे आई रही हूँ, पै 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 बजाते ही जा रहे। अरे मैं कब से ठहरा हुआ हूँ, एक घंटे से ठहरा हुआ हूँ। क्या हो गया बोल के? तैयार होने को टाइम भी नहीं देते क्या? ऐसा कौन सा तैयार होने देते? चलो अदनान वहां जाके देखिए। ठीक है चलो। हाय अदी। तानिया। बीवी बीवी, ये क्या करने वाले थे तुम वो चिपड़ी के साथ? मैं क्या करने वाला था, कुछ भी नहीं, गल्ले मिलने आ रही थी उन्हें, और तुम भी आगोश में ले लिए थे एक गैर औरत को। सॉरी भाई, उन्हें मेरी पुरानी दोस्त थी। दोस्त नहीं वो जी, वो ठहर जाओ अब। घर को जाके ये मुद्दे पे फैसला होगा अब। सर दर्द की गोली है? नहीं मिलती मैम। नहीं मिलती मैम, अब से मंगा के रखो। सॉरी ना, बीवी है मेरा। मेरा घर में भी यही चाल है, पिंडला तो नुंडे नेचनो पे ही दिखा का। रे वो नेचनो पे गोल दिस करा रा। वो ना मेरा मौरत से गले मिलने वाले थे तो। अरे मैं मिला तो नहीं ना भाई। वो मैं थी बोल के, नहीं तो अब तक कुर्सी होटल में जाके बैठते थे की। अरे अरे मेरे रहते हुए ये हरकत कर रहे, मेरे पीछे क्या क्या करने की? अरे मैं, अरे सुनो तो भाई, उन्हें तुम्हारे आंग पे आई कैसा पहले ये बोलो तुम। समीना दैट गर्ल गॉट क्रेजी सीन मी। अब्बा तुम अपने आप को 18 साल का लौंडा पट्टा समझ रहे हो? ये देखो भाई, तुम चुप बैठो, हट बाजू, सब झूठे झूठे बात। अरे सुनो तो सही, अरे ऐसा गुस्से में कहीं को आ रहे हैं भाई, ऐसे इशू कहीं को बना रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे हो गया ना भाई, माफी भी चाहो, अब क्या है? अगर मैं नहीं रहती थी तो गल्ले भी मिल लिए थे और ईद भी मना लिए थे तुम। ये देखो भाई, हाथ नहीं लगाना, भरोसे के काबिल ही नहीं है तुम। क्या जटिल औरत है भाई ये, मुंड बकरी है, इतना समझा रहा हूँ समझने का नाम ही नहीं ले रही, घाटी मारूं। समीना मेरा बैग। क्या है ये बाला, ऑफिस को जा रहे या मॉडलिंग करने जा रहे? ये टाई क्या है, फैशन परेड? अरे रोज ऐसी जाते हो ना भाई, अचानक कहीं को याद आ गया सब। इतने दिनों से तुमको छूट देके देख ली ना तुम्हारी चोले, कल तक ऐसा जाते थे होंगे लेकिन अब ऐसा नहीं, सलाहियत से जाएंगे समझे तुम, बोला बादलों के जैसे नहीं। तो
रहे। अरे क्या हुआ मिया तुम्हारे बालों को? ये तुम्हारी बेटी समीना डाल के घोटरी मेरे को। अरे मिया, शादी के बाद हर आदमी के पैर में बेड़ियां पड़ जाते और शक करना हर औरत के फितरत में है, समझे? आओ मैं तुमको समझाता हूँ। आओ मिया, तुम्हारे को एक राज की बात बताता हूँ। ये हमारे शक्कर दादा है, इन्हू नौकरानी के चक्कर में पड़ गए थे। जैसा हमारे शक्कर दादी को मालूम हुआ, मार के इनका मुइज फोड़ दी। ये हमारे परदादा है, इन्हू गैर औरत को जो है घूर के देखे। हमारे परदादी को मालूम होते ही पत्थर से मार के उनकी आंखें फोड़ दी। उनका क्या है, उन्हें तो शरीफ दिख रहे बहुत। शराफत की आड़ में इन्हू खामोश रहे। हमारे दादी से तंग आकर इन्हू दूसरी शादी करने की सोचे। जैसा हमारे दादी को मालूम हुआ, उन्हें जोर से शट अप बोली। जब से उनका मुंह जो है ऐसी हो गया। अरमानों की अर्थी उठने वाली है जैसा दिख रहा मेरे को। अब अगली फोटो आप किस दिख रही? क्या करूं भाई मैं ये औरत का जीना मुश्किल करके रख दी मेरा। सही बोले बड़े लोग, औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती, औरत चाहे तो घर को दोजख। फिल वक्त मेरा घर मेरे वास्ते दोजख बनावा है। समीना कहाँ है तुम? समीना 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 कहाँ चले गए भाई औरत? बालों में तेल कहीं को नहीं लगाए। मैं आई कम इन सर? आओ पिंकी आओ। जी सर। सर मैंने आपके प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला है। है क्या है जल्दी बोलो। सर मेरी पहचान में एक डॉक्टर है, इनफैक्ट बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट है। आप एक बार उनसे मिल लीजिए तो फिर वो आपकी वाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, कल सुबह का अपॉइंटमेंट ले लो। ठीक है सर। जाओ, थैंक यू। यू वेलकम सर। मे आई कम इन डॉक्टर? आओ अदनान आओ, प्लीज हैव अ सीट। क्या यही तुम्हारी वाइफ है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? हाँ इन्हीं है। एज ए डॉक्टर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप दोनों एक दूसरे से खुश हैं? नहीं। ओके ओके सॉरी। ये बता रहे थे कि आप काफी गुस्से वाली हैं, इज इट ट्रू? अरे क्या डॉक्टर साहब, आप अपने अपनी है बोल के बोला तो चुगली लगा दे रही। सॉरी अबाउट इट, सॉरी अबाउट इट। राइट। अच्छा ये जो आपका गुस्सा है क्या ये बचपन से है? नहीं। ओके ओके अदनान आप बताइए, क्या आप दोनों के बीच कभी झगड़ा, मैन हैंडलिंग, मेरा मतलब है क्या ये आपको कभी बाती भी है? बड़ी बात से तोबा है डॉक्टर साहब, अपने पे हाथ उठाए ना एक उल्टे हाथ। क्या हुआ अदनान, किस सोच में डूब गए तुम? डॉक्टर साहब मेरी बीवी को यहाँ लाना जरूरी है। लाना तो पड़ेगा ही ना भाई, पेशेंट को देखे बिना उसका हालचाल हम कैसे बता सकते हैं? मुश्किल है डॉक्टर साहब, मैं अभी इमेजिन कर लिया, सॉरी। हाँ अरे क्या डरता भाई बॉस अपना बीवी से। अरे मेरी बीवी मेरे से कैसा रहती मालूम? कैसा रहती? उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना, बच्ची तो फिर आपने बाहर मगर एक भी नहीं मालूम उसको। वो कैसा रहे? मेरी बीवी मेरे फोन को हाथ लगाई तो उसी वक्त उसका हाथ काट डालता हूँ बोला। अपने बॉस कैसा कहा, बीवी से डरने वाले रहते तो अपना काम कभी क्यों हो जाता था। जल्दी भी ले फ्लास, मेरे को डेट पे जाना है। मेरे को भी जाना है डेट पे रे। अब तो ऑफिस के पोट्टे भी मेरी हंसी उड़ा रहे। बहुत हो गया अदनान, अब तू पहले वाला आईडी बन जा। पिंकी डार्लिंग मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि डर के आगे जीत है। हेलो पिंकी, तुम्हारे अपार्टमेंट में आ गया, फ्लैट नंबर 203। ओके आ रहा हूँ। आज तो लाइफ बन गई। सर बहुत अच्छा लगा, आप पहली बार मेरे घर आए। वैसे हाउस माय हाउस? इट्स वेरी नाइस, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। अरे सना तू कब आई? कल ही आई बॉम्बे। चला बैठ। अदनान सर
ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सना है और सना हेलो ये मेरे बॉस है मिस्टर अदनान। आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही और इस बिचारी का 6 महीने पहले ही डिवोर्स हो गया। आप शादी करके पछता रहे हैं और ये बिचारी अकेले रह के परेशान है। हाउ सैड ना? सैड नहीं, वेरी बैड सर। यस ही इज मैड। एक पागल आदमी ही इतनी खूबसूरत लड़की को डिवोर्स दे सकता है। और बता सना, तेरी लाइफ में क्या एक्साइटमेंट आया? हाँ, अरे मेरा सनसाइन वर्गो है और आज सुबह ही मैं पेपर में मेरे स्टार्स पढ़ा। मेरे को लिखा हुआ था समवन विल गेट एक्साइटेड मीटिंग मी। ओह रियली? आपका मतलब है कि मैं आपसे मिलके एक्साइटेड हूँ? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरा मतलब है आप मुझे जान ले। ओ, आप दोनों बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आई। अच्छा देर से।